तो दोस्तों, ये हमने एक नया पार्सल खोला है जिसमें आपको दिखाई देगा कि जाकिर खरगोश की गोल्डन बर्ड, और ये है 8800 पे नागों का नाग, जो सीजन के लिए छतों से उड़ाने के लिए थोड़ी सी 1-2-3 से मजबूत जो डोर होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सारे गहरे कलर हैं और ये 6 रील की चरखी है फाइबर के चरखे पे। ठीक है, ये गोल्ड बर्ड है, इसमें भी आपको काफ़ी सारे गहरे कलर मिल जाएंगे और बहुत ही मुलायम और बारीक डोर आती है इनकी। तो आप इसको किसी भी रेंज पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आप कलेक्शन काफ़ी देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये बल्क में बनी हुई हैं और 2 महीने के ड्यूरेशन के बाद ये डिलीवर हुई है। डेली की इसमें से 6 चरखियाँ लगती थी। तो क्वालिटी वाइज आपको फाइबर और शीट दोनों की चरखे पे अवेलेबल है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये आपके गोल्ड फेस से ऊपर का ब्लॉक है, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि लच्छी दूल्हा मांझा है। तो उस हिसाब से बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज पे लच्छी वाला मांझा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और अभी जो दिल्ली का सीज़न है, रेवाड़ी का सीज़न है, गुड़गांव का, हरियाणा का, वहाँ के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, इस तरीके से पूरा कार्टून जो है वो पैक होके आया था। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा 25 से 30 दर्जन का माल है, 50 से 60 चरखियाँ इसमें थी। ये हरिनाम का 8800 पे है। और उसके अलावा इसमें गोल्ड बर्ड है। अब इसमें अभी सारे बारिश के अकॉर्डिंग जो कलर लगे हुए हैं, थोड़े से डार्क कलर मिलेंगे, लाइट कलर नहीं होंगे इसमें अभी। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ तेजस ब्रांड, और ये 12 रील की चरखी पे 3 कोन है, 250 ग्राम के 3 कोन है, और ये बनवाया गया है रिजवान भाई सम्राट के ब्लॉक पे। चरखा भी बहुत मजबूत लगा हुआ है, और ये हमारे गुजरात के भाई के लिए लगा हुआ है, ये आज उन्हें डिस्पैच हो जाएगा। 3-4 दिन का ड्यूरेशन लगा इसको बनवाने में, बढ़िया डिस्पैच होके वेनेसडे तक उनको डिलीवर भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं फिनिशिंग आप इसकी, प्योर गोल्ड आर्ट पे है और इवन कोटिंग पे काम किया हुआ है, और कलर और धार अकॉर्डिंग टू गुजरात क्लाइमेट इसमें रखा गया है। तो फिनिशिंग से ही आप इसका पता लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन डोर लगी हुई है, और संक्रांत तक ये और बढ़िया आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि ये तब तक 4-5-6 महीने में तैयार हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं सम्राट के 1-2-3 के ब्लॉक। इसमें ज़्यादातर काले कलर ही हैं और कुछ एक इसमें ग्रे कलर भी अवेलेबल हैं। और देन आफ्टर ये नए बैग हैं, वाटरप्रूफ बैग हैं ये, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ प्योर ब्लैक कलर विथ नियॉन पाइपिंग। तो आप इनकी फिनिशिंग दे सकते हैं, इनकी चेन पार्ट जो है वो दे सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ड्यूरेबल बैग्स हैं। इसमें 150 से 200 पतंग आप लोग रख सकते हैं, और हम भी जब पैकिंग करके किसी को विथ बैग भेजते हैं तो ये वाले बैग उसमें आएंगे। अब 2 तरीके के बैग अवेलेबल हैं, जिसमें से एक ये पैराशूट पे है और एक दूसरा रेजिन टाइप का कपड़ा आता है उस पर अवेलेबल है। बाकी मैं इसको बाकी पार्ट्स की भी फिनिशिंग दिखा देता हूँ। और ये कुछ एक कलर्स अगर देखना चाहें तो इसमें कलर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, पर कलर डार्क हैं तो ज़्यादा दिखाई नहीं आपको। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।